भाई सोच लिया था हमने कि भाई मोदी अच्छे आदमी दे दिया वोट, भाई अपनी 30 साल की उम्र में पहली गलती कर दी है, मोदी का वोट दे दिया, आगे को न्या हुआ है, चाहे बुढ़ापा चाहे हमारी याददाश्त भी चली जाएगी नहीं पता है, जब भी मोदी से वोट नहीं देंगे भाई। वो जो हमारी गोदी मीडिया बैठी है ना, उसने चला दिया था, हम घर आते देख कर नहीं आ रहे थे मोदी ने, हमने देखा था भाई मीडिया में भाई अच्छा आदमी बताया जा रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री से पहले उन्हें कौन जाना था, कोई नहीं जाना था, मीडिया ने चला दिया सारे सब कुछ भाई मोदी अच्छा आदमी। मीडिया के प्रभाव में ये गलती, बिल्कुल मीडिया के प्रभाव में गलती हुई। आज भी तो यही चल रहा है मीडिया में, क्या चल रहा है, किसानों को नीचा दिखाने का काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। वो नेगेटिव चीज़ों को तो दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को किसी को नहीं दिखा रहे हैं। मैंने जब से किसान आंदोलन किया है टीवी देखना है छोड़ दिया, मैंने कोई न्यूज़ चैनल नहीं देख लिया, कभी कभी देखता हूँ NDTV है उसको देख लेता हूँ, ठीक है, वो दिखा देते हैं भाई किसानों की, बाकी नहीं देखता। हमारे जो पत्रकार भाई हैं, जो देसी पत्रकार हैं, उन्हें देखते हैं भाई, हम उन्हीं से वो मिलते हैं। और मैं तो ये कहूँगा सभी नौजवान भाइयों से कहूँगा कि भाई जुगर सुशांत का मुद्दा चला दिया था ना, सारे का कर दो इसने, इबे देश के कुछ हिस्सा में है आंदोलन यो, ठीक है, यो देश के कोने कोने में जब पहुंचेगा, जब आप लोग साथ दोगे, सरकार की आंख खुल जानी चाहिए इस तरह। मोदी ने बेरा बार बार कहा है ना कि भाई थोड़े आदमी बैठे हैं, थोड़े से आदमी बैठे हैं, ये एक बार आके देख लेगा वो मोदी भी, अब भाई कितने आदमी बैठे और कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि पंजाब है, आप हर कदम पे जाओगे यूपी बिहार उत्तराखंड हरियाणा पंजाब, आपको हर कदम पे मिलेगा यहाँ पे। आप मेरे को नहीं बहका सकते, मैं आपको नहीं बहका सकता। आज जो युवा है या किसी भी व्यक्ति को, कोई ऐसा नहीं है जो बहका सके, कोई बहका के उल्टा काम करवा लेगा अपने घर ने, कोई भी करवा दे तो मेरे को बता दे भाई, ऐसे बहकावे में आ सकते तो ये जो राजनेता है उनके बेटे भी बॉर्डर पर खड़े पाते, हम नहीं बहका लेते उन्हें। हमारे देश में जो युवा है वो बार बार बॉर्डर पे जा रहे हैं, किसान के बेटे अपनी जान गंवा रहे हैं वहाँ पे, शहीद हो रहे हैं, तो हम भी बहका लेते भाई, इनके भी अब बालक बॉर्डर पर आ जाएँ तो फिर हमारे क्यों जाते हैं वहाँ पे, तो कौन किसने बहका लिया, मैंने तो कोई बहकाने नहीं आया भाई, मेरे घर आज तक तो कोई बहकाने नहीं आ लिया, किसान है अपनी मर्जी दा रहा हूँ और अपनी मर्जी दा रहूँगा तो कैसे बहका लेंगे भाई, आप बताओ। देश के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज क्या है, अगर बंदा पीसा जा रहा है ना बिल्कुल, तो वो मजबूरी के अंदर भी जो है अपना वो पीसता जा रहा है, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब उनके जो मालिक बैठे हैं चैनलों के, उनको पैसा मिल रहा है, और जो नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर रिपोर्टर हैं या कैमरामैन है कोई भी है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई नौकरी छोड़ दोगे आप तो ये काम कर दिया जाएगा, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट को ये कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार दबाव बना के कुछ उनमें भी हमारे भाई हैं जो दिखा रहे हैं नीचे जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो यही जो पैसा है ना, दबाव बेरोजगारी है, वो पैसे के लालच में जो है ये काम कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।